हिदायतगंज थाना क्षेत्र के पुंडी इलाके में बीती रात उत्पाद विभाग ने एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि यह गोरख धंधा मकान के अंदर बने बड़े तहखाने में चल रहा था। जब उत्पाद विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। तहखाने में शराब बनाने वाली मशीन, रैपर, बोतल, भारी मात्रा में एस्प्रिट और शराब से जुड़े कई आपत्तिजनक सामान के साथ कई वाहन भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण जी जुड़ चुके हैं। मनोज नारायण जी, जिस तरह से अब शराबपूर्ण शराबबंदी होने के बाद से जिस तरह से लगातार शराब बरामद हो रहा है, लगातार पुलिस इस पर एक्शन ले रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं? यहाँ भी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। देखिए अनिश, जिस तरह से विधानमंडल में विपक्षी लगातार हंगामा करते हैं कि शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू किया गया है बिहार में, फिर भी इसकी होम डिलीवरी हो रही है, शराब धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो भी शराब माफिया है मालोमाल हो रहे हैं, तो इसी का एक नमूना है। आप एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राजधानी पटना, जहां से नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक ये जो शराब बनाने का कारखाना कह सकते हैं, वो एक शराब बनाने का जो कारखाना इसको कह सकते हैं, वो बरामद होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा करती रहती है कि बिहार पुलिस की देखरेख में यह धंधा फल फूल रहा है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों का जो आरोप है कहीं ना कहीं यहाँ पर सही साबित हो रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने इसका उद्भेदन किया है। और एक बगीचे में आखिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दीदारगंज पुलिस को ये पता कैसे नहीं चला कि उसके थाना क्षेत्र में ये शराब फैक्ट्री लगी हुई है, भारी मात्रा में शराब बन रही है बगीचे में। और ये दीदारगंज का जो पुनाडी पंचायत है, उसी पंचायत में एक बगीचे में जब एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं वो छापामारी करते हैं, तो ट्रक बरामद होता है, टेम्पो बरामद होता है, मोटरसाइकिल बरामद होता है, शराब बनाने वाले उपकरण बरामद होते हैं और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल दीदारगंज पुलिस पर या स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उस पर ये सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ जहां से नियम कायदे कानून बन रहे हैं राजधानी पटना से, एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के नाक के नीचे ये धंधा ये फल फूल रहा था और जो स्थानीय प्रशासन है उसको ये पता नहीं चल रहा है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शराबबंदी तो लागू है लेकिन विपक्षी का जो दावा है कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों अवनीश, ये जिस तरह से विपक्षी लगातार विधानसभा में हंगामा भी कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों नीतीश कुमार ने एक साइज डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का मीटिंग बुलाया था, कहीं ना कहीं तो उसी समय ये जाहिर हो गया था कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे थे कि बिहार पुलिस के जो बिहार पुलिस के प्रशासन है उसकी देख रेख में ये धंधा फल फूल रहा है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का मतलब ये जाहिर हो गया था कि एक्साइज डिपार्टमेंट को लगाया जा रहा है इस धंधा को, जो कड़ी है शराब माफियाओं की जो कड़ी है उसको तोड़ने के लिए। और यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी सफलता उसको लगी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि धन्यवाद आपका जानकारी दे ले। तो आपको बता दें, सारी मामला जो है पटना की है, राजधानी पटना की,